नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। राष्ट्रीय खेल दिवस पर याद किए गए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, हॉकी एसोसिएशन एवं अरमान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित हुआ संगोष्ठी कार्यक्रम। इस दौरान खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग के संभागीय अधिकारी M.K. धोलपुरी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने बताया कि प्रदेश एवं केंद्र सरकार के फिट इंडिया मुहिम को लेकर युवाओं को स्पोर्ट्स से जोड़ने विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज ही के दिन 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में जन्मे मेजर ध्यानचंद का हॉकी खेल में पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं था। उन्होंने करीब 22 साल तक भारत के लिए हॉकी खेला और इस दौरान 400 से भी अधिक इंटरनेशनल गोल दागे। 29 अगस्त की तारीख भारत के लिए बेहद खास है। आज हमारा देश राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। इस दिवस को देश के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वह हॉकी खेलते थे तो मानो ऐसा लगता था कि गेंद उनकी स्टिक से चिपक जाती थी। ध्यानचंद की उपलब्धियों ने अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भी भारतीय खेल के इतिहास को नए शिखर तक पहुंचाया था। इस अवसर पर हॉकी एसोसिएशन इकाई रीवा के अध्यक्ष सुनील मिश्रा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संभागीय अधिकारी M.K. धोलपुरी, अरमान फाउंडेशन के पदाधिकारी रोहित श्रीवास्तव सहित अन्य समाज सेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। दादा ध्यानचंद की स्मृति में पूरे हिंदुस्तान में बड़े जोर शोर से आज नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। केंद्र शासन और राज्य शासन की संयुक्त रूप से ये पॉलिसी है कि सभी खेलों का सभी स्तर पे ये आयोजन किया जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, कल्चरल प्रोग्राम का हो, चाहे डुएट का हो, किसी भी स्तर पर दादा ध्यानचंद को याद किया जाए और नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाकर सभी लोगों को फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत फिट रहने के लिए जागरूक किया जाए और सभी छोटे और बड़े लोगों को ग्राउंड से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ऐसी योजना है। मध्य प्रदेश में मेजर ध्यानचंद का जो जन्म जयंती मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में रीवा के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में हम लोग सब आज एकत्रित होकर के जन्म जयंती मना रहे हैं, जिसका अरमान फाउंडेशन के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं करते हुए और पूरे रीवा और मध्य प्रदेश में उनके द्वारा जो सामाजिक काम, पौधरोपण और जन जागरण, स्वास्थ्य के संबंध में उनके द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसी कड़ी में ये भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज सुबह से ही हम लोग एकत्रित होकर के खेल का आयोजन और खेल के आयोजन के साथ साथ जन्म जयंती मनाने का कार्यक्रम बना करके और यहाँ पे एकत्रित हुए। मैं धन्यवाद करूंगा अरमान फाउंडेशन के फाउंडर श्रीमान रोहित श्रीवास्तव जी का कि उनके द्वारा ऐसा सुखद वातावरण में अच्छी व्यवस्थाएं करते हुए मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती को मनाने का और उसको समाप्त करने का जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रीवा में दुष्कर्मी का दुस्साहस, रेप केस में जेल से जमानत पर छूटते ही दोबारा किया दुष्कर्म, फिर हुआ गिरफ्तार। जिस नाबालिग लड़की से एक साल पहले किया दुष्कर्म, उसी की दोबारा लूटी अस्मत, मारपीट कर दी जान से मारने की धमकी। आपको बता दें कि रेप केस में एक साल से जेल में बंद आरोपी ने जमानत पर रिहा होते ही एक बार फिर उसे नाबालिग को दरिंदगी का शिकार बनाया है। आरोपी ने उसी नाबालिग लड़की से दोबारा दुष्कर्म किया, जिसके साथ उसने एक साल पहले भी दुष्कर्म किया था और एक साल तक जेल की हवा भी खाई। जमानत पर छूटे आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म कर मारपीट करते हुए उसे धमकाया भी। मामले में नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल घटना रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता किसी काम से जा रही थी कि तभी आरोपी अनुराग तिवारी निवासी खटकरी ने उसे रोक लिया और जबरन अपने साथ ले जाने लगा। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मंदिर के पीछे ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी के चुंगल से छोटी पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को अपनी आप बीती सुनाई।
जिसे परिजन अपने साथ लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई गई। बता दें कि आरोपी ने साल भर पहले भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था, तब भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और कई महीने तक आरोपी ने जेल की हवा खाई थी। फिलहाल पुलिस ने एक बार फिर से दर्ज कराई गई FIR की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शाहपुर थाना क्षेत्र पूर्व में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान पेश किया गया, परंतु कुछ दिन पहले वही लड़की पुनः थाने पहुंची और उसने घटना की पुनरावृत्ति के बारे में बताया, जिसका अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, विवेचना जारी। पहले भी उसे जेल भेजा, दोनों उसकी परिस्थितियां अलग थी, प्रकरण होगी, ये दूसरा इन्वेस्टिगेशन। बाल सर्वेक्षण गृह से भागे 5 अपचारी बालक पकड़ा है, किचन की खिड़की तोड़कर हुए थे फरार। बता दें कि रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित बाल सर्वेक्षण गृह से बीते कल 5 अपचारी बालक भागने में कामयाब हो गए थे, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम लगातार 24 घंटे से जुटी हुई थी तथा आज सुबह सुहागी थाना पुलिस ने टमस नदी के समीप पांचों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखते ही फरार हुए पांचों अपचारी बालकों ने पहले नदी में छलांग लगाने की कोशिश की, परंतु पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। दरअसल बीते कल सभी अपचारी बालक बाल सर्वेक्षण गृह के किचन में लगी खिड़की को तोड़कर भाग निकले थे। पूरा घटनाक्रम किचन में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गया था। बाल सुधार गृह से भागने की योजना बनाते और खिड़की तोड़ते हुए बाल अपचारी CCTV कैमरे में कैद हुए थे। इस दौरान एक अपचारी बालक ने CCTV कैमरे का कनेक्शन भी काट दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, और तब पुलिस के द्वारा जिले भर में उन्हें पकड़ने के लिए टीम को दौड़ाया गया, जिसके बाद आज सुबह सुहागी थाना पुलिस ने आज पांचों अपचारी बालक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि समान थाना क्षेत्र स्थित बाल सर्वेक्षण गृह से बीते कल 5 अपचारी भागने में कामयाब हो गए थे। सभी अपचारी बालक विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर अपराध के अलग अलग मामलों में सुधार गृह में रखे गए थे। बताया जा रहा है कि बाल गृह से भागे सभी अपचारी बालकों में से एक बालक की उम्र तकरीबन 18 वर्ष की हो चुकी थी, जिसे सिवनी जिले के जेल में शिफ्ट किया जाना था। पुलिस विभाग की ओर से इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी, लेकिन इससे पहले ही सिवनी जेल में शिफ्ट किए जाने वाले बालक ने ही सारी योजना बनाई और अपने अन्य 4 अपचारी बालकों के साथ मिलकर बाल सर्वेक्षण गृह के किचन की खिड़की तोड़कर भागने में कामयाबी हासिल की थी। परंतु फरार हुए सभी 5 अपचारी बालकों को आज पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो सभी अपचारी बालक उत्तर प्रदेश जाने की फिराक में थे, जिसके चलते वह सुहागी थाना क्षेत्र से निकल रहे थे, जिसकी जानकारी आज सुबह जैसे ही पुलिस की टीम को लगी कि फरार हुए सभी अपचारी बालक टमस नदी के समीप भटक रहे हैं, तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। इस दौरान अपचारी बालकों ने नदी में छलांग लगाने की कोशिश भी की, जिसमें वह बच सके, परंतु पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रस्तुत है एडिशनल SP मऊगंज विवेक कुमार लाल से प्राप्त जानकारी के अंश। 5 बाल अपचारी संप्रेषण गृह से चले गए, उनको सुहागी पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। अब कथन लेकर संप्रेषण गृह को उनको सुपुर्द किया जा रहा है। कहाँ से पकड़े गए? ये सुहागी थाना क्षेत्र। वो सब उसमें इन्वेस्टिगेशन में जैसा भी आएगा उसके अनुसार फिर उसका अग्रिम कार्रवाई। ये सब अब जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताएंगे। जिले में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपियों खिलाफ थाने में दर्ज हुई शिकायत, जनपद सदस्य सहित 2 समर्थक गिरफ्तार। बता दें कि रीवा जिले में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने बीते 23 अगस्त को व्हाट्सएप ग्रुप में ब्राह्मणों और भगवानों को अपमानित करने का काम किया था, जिसमें जनपद सदस्य सहित 2 समर्थकों को 28 अगस्त की रात मुखबिर की सूचना पर गढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गंगेओं क्षेत्र का रौरा उन्मूलन नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें विभिन्न समुदाय के 150 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप में 23 अगस्त को सुबह 7:51 पर गंगेओं जनपद के वार्ड क्रमांक 6 से सदस्य अखिलेश पटेल ने हिंदू देवी देवताओं की एक सूची बनाई और विवादित पोस्ट डाल दी। कुछ देर बाद रामजी पटेल ने विवादित पोस्ट का अपनी ओर से पूरा समर्थन किया, वहीं मुकेश चंदानन ने विरोध करने वाले लोगों को धमकाया।
इस मामले में गढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक आर के गायकवाड़ के निर्देश पर लालगांव चौकी प्रभारी ने 27 अगस्त को मामला दर्ज किया। साथ ही 28 अगस्त की रात अखिलेश पटेल पुत्र इंद्रपाल पटेल 42 वर्ष निवासी देवास थाना गढ़ पद गंगेओ जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 6 रामजी पटेल पुत्र स्वर्गीय रामभान पटेल 24 वर्ष निवासी रौरा थाना बैकुंठपुर एवं मुकेश सिंह चंदानन पुत्र रविशंकर पटेल उम्र 32 वर्ष निवासी देवास थाना गढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। ये लालगांव चौकी में अपराध क्रमांक 414 दर्ज हुआ है, जिसमें आपत्तिजनक टिप्पणी भगवान के विरुद्ध की गई, जिसमें 3 अपराधी को नामजद किया गया था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है। गिरफ्तार आरोपी जनपद कोई जनप्रतिनिधि का भी उसमें नाम है। ग्राम पड़िया चोराटा हत्याकांड मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का किया घेराव। घायल ने पहले पहचानने से किया था इनकार, फिर कर दी नामजद शिनाख्त। बता दें कि चोराटा थाना क्षेत्र के ग्राम पड़िया मोड़ के पास बीते 23 अगस्त को हुए हत्याकांड मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग को लेकर आज SP कार्यालय का घेराव करते हुए महापौर अजय मिश्रा बाबा के नेतृत्व में ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। ज्ञापन पत्र में कहा गया कि हत्याकांड के आरोपी बनाए गए 3 युवकों को निर्दोष हैं, जिन्होंने रंजिशन फंसाया जा रहा है। आरोपियों की ओर से पहुंचे परिजनों ने कहा कि घटना दिवस घायल दूसरे भाई अरुणेंद्र यादव ने बताया था कि वह किसी को पहचानता नहीं है, एक व्यक्ति को वह देख लेगा तो पहचान जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद पकड़े गए 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत कर दी गई और पुलिस ने बिना जांच के ही उन्हें आरोपी घोषित कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को निष्पक्ष जाँच की मांग को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा है तथा CBI और CID जाँच की भी मांग की गई है। अमृति पड़री के पास पड़रिया के पास पड़रिया मोड़ के पास अभी 23 तारीख को एक यादव परिवार के 2 लड़कों के ऊपर हमला हुआ था। एक की हत्या हो गई और एक सीरियस घायल हो गए। इसमें उस गांव के 2-3 लोगों को बेगुनाहों का भी नाम शामिल कर लिया गया, जबकि जो सीरियस है उन्होंने ये बताया था कि 6 लोग थे मारने वाले, इसमें से एक को हम पहचानते हैं। तो हम लोग आज SP साहब के पास पूरे गांव के लोग आए थे और ये निवेदन उनसे किया कि भाई आप निष्पक्ष जांच कराइए, हत्या हुई है तो अपराध तो बिल्कुल जिसने भी किया है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो किसी भी घर का हो, किसी के घर का एक लड़का चला गया, इसने भी हत्या किया है उस अपराधी को बिल्कुल बख्शा नहीं चाहिए, पर बेगुनाह भी ना फंसें ऐसी व्यवस्था प्रशासन की होनी चाहिए। तो SP साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी हम जांच कराएंगे, जो जांच में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि बेगुनाहों को ना फंसाया जाए। और गांव के सारे लोग आज यहां आए हैं, इन लोगों का कहना है कि ये लोग थे ही नहीं वहां पर, जिनका नाम है जैसे ये अपना ब्रजेश पांडे, दिनेश मिश्रा, अंकित पांडे, ये वहाँ पर थे ही नहीं और ये बड़े गरीब परिवार के लोग हैं, इनको साजिशन फंसा दिया गया। अब ये किसकी साजिश थी ये तो जांच पे ही समझ में आए। नहीं, पुलिस का की जो कार्रवाई है अभी वो संतोषजनक नहीं थी, इसीलिए अभी तक तो हम लोगों ने इंतज़ार किया। TI से बात हुई, TI ने भी ये बोला, कहा कि ये हमको मालूम है कि ये तीनों बेगुनाह है, पर किसी जो मुद्दई है उसने FIR करा दिया, तो FIR में इनका नाम आ गया। तो TI का ये कहना है कि FIR से नाम हम नहीं काट सकते हैं, हम इसकी जाँच करेंगे। तो हमने सोचा कि सक्षम अधिकारी SP होते हैं, उनको एक ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने अवगत कराया है कि जो ये हत्या हुई है उस पर जो अपराधी उनको पकड़ा जाए, दंडित किया जाए, सही अपराधी पकड़ा जाए, जो बेगुनाह हों उनके खिलाफ कार्रवाई न की। देखिए, अपराध का तो ग्राफ है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरेक्स नसब के केस लगातार बढ़ रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। पर्दा में गोली चला दिया, यहाँ चाकू मार दिया, तो ये जो अपराध है तो इस पर अंकुश प्रशासन नहीं लगा पा रहा। उस विषय में भी हम लोगों ने SP साहब से बोला और ये भी बोला कि जहाँ हम लोगों का सहयोग की आवश्यकता है, आप बताइए, शहर में ट्रैफिक का जाम लगा हुआ है, चौराहों में कट खुले हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये गणपति का त्यौहार निकल जाए, इसके बाद आप लोग बैठ के इस सब विषय में।
भू माफियाओं के बड़े हौसले, प्रशासन के द्वारा की गई बेदखली की जमीन पर पुनः कर लिया कब्जा। भू माफिया पर निरंतर कार्रवाई करने के मुख्यमंत्री के निर्देश अब ठंडे बस्ते में जाते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के द्वारा खाली कराई गई भूमि पर भू माफियाओं ने पुनः एक बार फिर कब्जा कर लिया है और अब पुलिस बोल रही है कि कैसे मान लूं कि ये तुम्हारी जमीन है, यदि है तो साबित करो। इस प्रेस वार्ता के दौरान समाजसेवी विश्वनाथ चोटीवाला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। चोटीवाला ने कहा कि कलेक्टर के निर्देश पर नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं कोतवाली पुलिस की निगरानी में जो भूमि उसे अधिकारियों से मुक्त कराई गई थी उसे पर एक बार फिर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जिन्हें पुलिस का भी अब खुला संरक्षण मिल रहा है। ये है आज ग्राम गड़रिया स्थित भूमि के अवैध अतिक्रमण का मामला है। ये 999/1/1 में अनिल सिंह भदौरिया, भोला पटेल, महेंद्र पटेल वगैरह ने जो हमारी क्रय सुधा जमीन है उसमें अवैध अतिक्रमण कर लिया है। कलेक्टर महोदय द्वारा 2 मई को कब्जा दिलाया गया, तहसीलदार की उपस्थिति में, पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में दिलाया गया। इसके बाद भी उन्होंने 18 मई को हमारी बाउंड्री वॉल को तोड़ करके फिर से कब्जा दिया, जिसे मुझे मजबूरी में आनंद फानंद में तत्काल हम जब धरने पर बैठे तो 12 बजे रात आ करके थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने उसके अवैध कब्जे को हटाया, मुझे कब्जा दिया। इसके बाद भी 10 से 15 दिन के बाद फिर उन्होंने हमारी बाउंड्री को तोड़ करके, जबकि एक कमरे का मकान और बाउंड्री थी, अनिल सिंह भदौरिया, भोला पटेल, महेंद्र पटेल वगैरह द्वारा तोड़ करके फिर से आप अपने मकान बनाने की लगातार कोशिश करें। इस संबंध में तमाम पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, तहसीलदार, SDM, तमाम सारे अधिकारियों को हमने इस संबंध में आवेदन दिया, शिकायती आवेदन पत्र दिया, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि जिस जमीन में अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है वो जमीन हमारी है कि नहीं है। वो कहती है प्रमाण दिखाओ, हम दिखा रहे हैं, दस्तावेज दे रहे हैं, इसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हम इस बार मीडिया के माध्यम से तमाम शासन और प्रशासन को हम आगाह कराना चाहते हैं कि यदि 15 दिन के अंदर किसी भी प्रकार की कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तो मैं जहाँ गड़रिया स्थित मेरी जमीन है जहाँ अवैध अतिक्रमण हो रहा है मैं सीधे 15 दिन बाद वहीं पर धरने पर बैठूंगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इन्हीं के साथ आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।